हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आप लोग के साथ फिर से नए वीडियो को लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर दीदी हमारी मिलने हैं अचानक से, मुझे पता भी नहीं था। मैंने कहा बहन बताया नहीं, कल तो राखी में मैं तुम्हारे घर आई थी, बोला कि तुम्हारा सामान भी देना था और मिलना भी था, तो कुछ समय के लिए वो आई और बहुत ही अच्छा लगा। आपस में मेरे मिस्टर से बात करने में लगी हुई हैं, तो मैंने कहा लीजिए मेरा वीडियो शूट करिए, मैं आपस में बात करूँगी अपनी बहन के साथ, तो अच्छा लगता है। कोई अपना आता है तो घड़ी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो लम्हे छोटे ही पड़ जाते हैं जब कोई अपना रहता है कि कितना बात करना है। तो बस मैं और दीदी लग गई आपस में बात करेंगे, मिस्टर हमारे मज़ा भी ले रहे थे। आप लोगों की बातें ख़त्म होगी या नहीं, मैंने कहा कि नहीं ख़त्म होती हैं, जब हम मिलते हैं तो हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं। तो बातें करने के बाद मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी दीदी के शेयर क्लिक करवाया और अच्छा लगा। हमारी दीदी ने भी बिल्कुल स्माइल लेकर फ़ोटो में चार चांद लगा दिया और बहुत ही अच्छा लगा, और वाकई में वो सुंदर लग भी रही थी। मैं तो बस ऐसे ही घर में थी, तो आपस में सब खाए पिए, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी हो गया और फिर यहाँ तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा खाना भी खा लीजिए जीजा जी, बट उन्होंने कहा नहीं, तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई। तो जीजा जी मुझे हंसवाने के लिए बोले, लो तनु तुम फोटो बहुत अच्छा क्लिक करती हो, तुम ही करोगी। तो मैंने भी हंस दिया और सोचा आप लोग के साथ छोटा सा ब्लॉग भी शेयर करना है, तो मैंने वीडियो भी बना लिया और कुछ फ़ोटोज़ भी। तुरंत ये लोग चलने के लिए तैयार हो गई, मैंने रोका कि रुक जाइए खाना पीना खा कर थोड़ा रेस्ट करें, बोले नहीं। तो सही बात है गाइज, इन लोगों को जाना था, मैं आप लोग को बताऊँगी कि गोंडा जहाँ हमारा मायका है वहीं जीजा जी की जॉब है, तो इन्हें वहीं जाना था, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया, ये रुके। देखा कि पंगुड़ी अपनी मौसी और भैया के लिए कितना रो रही है, तो मैंने दीदी से कहा दीदी जल्दी निकल जाओ वरना बहुत रोएगी। और उनके पापा ने किसी तरीके पंगुड़ी को मनाया लेकिन मानी नहीं, फिर उसके साथ ही उसके पापा भी गए और मैं आकर लौट आई। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, जब कोई अपना आता है तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं यहीं ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और जी हाँ कॉमेंट करिए। अगर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।